हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने टू डिजिट मल्टीप्लाई के बारे में डिस्कस किया था, सूत्र उर्ध तिर्यग्भ्याम। मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। नाउ फॉर द सेम थिंग हम इसी मल्टीप्लाई को आगे ले जाते हैं। आज जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो एक स्पेसिफिक कंडीशन है, तो लेट्स स्टार्ट। अब मैं आपके सामने आपको मेथड बता रहा हूँ, 105 × 104। ये दो नंबर है 105, 104, और इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई आपको 3-4 सेकंड में करना है। क्या सोचने लगे? नॉट पॉसिबल? नो, इट इज पॉसिबल। क्वेश्चन इज हाउ कैन इट पॉसिबल। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो 105 और 104 है बोथ आर मोर देन 100। ये दोनों नंबर 100 से ज्यादा है। Now, question, कैसे सॉल्व करेंगे? आपको ये सोचना है कि ये 100 से कितना ज्यादा है, that is plus 5. 104 100 से कितना ज्यादा है, obviously plus 4. Now, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? उसे करने के लिए सबसे पहली स्टेप, 105 में आप ये 4 ऐड करें, या तो 4 करें, that means 105 plus 4, या तो आप ऐसा करें या फिर 104 plus 5। In both situation, you will get the same answer. Now, जब आपने ऐसा, that means 105 में 4 add कर लिया, या फिर 104 में 5 add कर लिया, next step आपको इन 5 को 4 से multiply करना है, 5 × 4. Now, अब आपको ध्यान रखना है, 105 plus 4, 109 होगा, 104 plus 5, it is also 109, 4, 5 × 4, 20, so what will be the answer, 109 20. Is that clear? यहाँ आपको छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि ये जो मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई ऑलवेज बी यूज फॉर द टू डिजिट। आपको ये दो डिजिट के लिए राइट करना है। अगर यहाँ पर सिंगल डिजिट होता, जस्ट लाइक 101 plus 101 multiply 102, so it is a plus 1, it is a plus 2. Now what you do, 101 plus 2, then 1 × 2, आप 101 plus 2 करेंगे 103, 1 × 2, 2 होगा। बट ये जो आपको मल्टीप्लाई करना है, ये ऑलवेज आपको टू डिजिट में राइट करना है। इस सिचुएशन अगर ये 102 सिंगल डिजिट है, तो यहाँ आप 0 पुट करेंगे, नाउ आवर आंसर विल बी 103 02। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब हम ये दोनों पैटर्न इससे करें, तो आपको ये पता लगा सकते हो कि ये प्लस 2 होगा, प्लस 9, 109 plus 2, 1, 1, 1, 9 × 2, 18. That will be the correct answer. Is that clear? Now, what happened? 109 plus 9 plus 12. 109 plus 12 आपके पास होगा 121, और 12 × 9, 108. अब आपको अगेन लास्ट के टू डिजिट राइट करने हैं। ये वन डिजिट इसमें ऐड हो जाएगा, दैट मीन 12108. यहाँ ये ध्यान रखना है कि ऑलवेज ये जो मल्टीप्लाई होगा टू डिजिट में रिटर्न कर राइट करेंगे। अगर यहाँ पे टू डिजिट है, यू विल हैव टू राइट सेम थिंग। अगर ये एक सिंगल डिजिट है, तो जीरो पुट करेंगे, और अगर थ्री डिजिट है, तो लास्ट के टू डिजिट राइट करके ये थर्ड डिजिट इस नंबर में ऐड करना है। आई थिंक यू कैन गेट इट प्रॉपरली। द सेकंड केस इज व्हेन बोथ द नंबर आर लेस देन 100। देखिए, मेरे पास है 92 × 98, 90 × 96, 87 × 92। अगेन दोनों नंबर 100 से कम है। इससे पहला पैटर्न था, दोनों नंबर 100 से ज्यादा थे। सेम सिचुएशन, हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अब हमें ये सोचना है, ये नंबर 100 से कितना कम है, दैट मींस -8। ये नंबर 100 से कम है, -2। अगेन या तो 98 में से 8 लेस करें, या फिर 92 में से 2 लेस करें, वी विल गेट द सेम आंसर, दैट मींस 92 -2। और इस -8 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, ये 90 होगा, 16। अगेन आपको यहाँ मल्टीप्लाई टू डिजिट के फॉर्म में लिखना है, तो व्हाट विल बी द आंसर, 9016। इज दैट क्लियर? अगेन -10, -4, 90 में से -4 आपके पास 86, 10 × 4, 40, दैट विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर? नाउ -13, -8, नाउ व्हाट यू डू, 87 में से 8 प्लस करें, 87 − 8 = 79, 13 × 8, 104। अगेन आपको टू डिजिट राइट करने हैं, 04 यहाँ आएगा, ये 1 ऐड होगा, दैट विल 8004। इज दैट क्लियर?
क्या होगा अगर मान लीजिए 98 into 99, in that situation -2 -1. Now what we do, 98 minus 1, 97 होगा, 2 into -2 into -1, 2 होगा. अगेन आई टोल्ड यू आपको हमेशा मल्टीप्लाई 2 डिजिट की फॉर्म में लिखना है, तो इसे 0 राइट नहीं करके यू विल राइट, यहाँ इसे 2 राइट नहीं करके यू विल राइट 02, देन द आंसर विल बी 9702. इज दैट क्लियर? और अगर आपके पास 3 डिजिट आता है तो अगेन 2 डिजिट आपको लास्ट के राइट करने हैं, नेक्स्ट डिजिट को उसमें ऐड कर दें. लास्ट केस है जब एक नंबर 100 से कम हो और सेकंड नंबर मोर देन 100 हो, दैट मींस 100 से ज्यादा. 98 100 से कम है, 102 100 से ज्यादा है. द थिंग इज दैट नाउ व्हाट वी डू, यहाँ पैटर्न थोड़ा सा चेंज है. स्टार्टिंग में आपको ये माइनस टू बिकॉज 100 से 2 कम है, ये 100 से 2 ज्यादा है. इन दैट सिचुएशन व्हाट यू डू, 98 plus 2, लास्ट टाइम तक हम ये करते ही थे, बट यहाँ एक छोटा सा चेंजेस है. जो भी आपके पास आ रहा है इसमें से 1 और सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स 98 plus 2 minus 1 होगा, या फिर 102 minus 2 minus 1. इन दैट सिचुएशन यू विल गेट द सेम आंसर, 102 minus 2 minus 1. और अगेन वापस आपके पास माइनस टू और प्लस टू का मल्टीप्लाई, माइनस टू और प्लस टू का मल्टीप्लाई, 98 plus 200 minus 1 99, it will be 99. Now, अब आपके पास है 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, we'll get 04, but किसके? माइनस के, because it is a minus and it is a plus, minus into plus, minus. Now, the thing is that जब भी यहाँ माइनस आएगा, इस वैल्यू को 100 में से सब्ट्रैक्ट करके आपको राइट करना पड़ेगा, तो 99 और 100 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, that means 99 96 will be the correct answer. अब हम इसी चीज को थोड़ा सा फास्ट करते हैं, प्लस 6 एंड माइनस 6, हम इसे करेंगे 106 minus 6 minus 1 and 6 into minus 6, ये होगा आपके पास 99 minus 36, 99, 36 को 100 में से लेस करेंगे 64, so 9964. अगेन ये प्लस का 9 है, ये माइनस के 12 है. आप करोगे 109 minus 12 minus 1 और 9 into minus 12. अब आपके पास कैसे सॉल्व करेंगे, 109 में से आप 12 लेस करेंगे, ये आपके पास आएगा 97 97 minus 1 96, ये आपके पास होगा 12 into 9 minus 108. अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर 108 है, लास्ट टाइम तक हम 100 में से लेस कर रहे थे, बट यहाँ पर हम 200 में से लेस करेंगे, तो 96, यहाँ एक डिजिट कम हो जाएगा, ये 200 माइनस 108, दैट मींस 95 और 92, 9592 विल बी द आंसर.